नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीएड में एडमिशन के लिए इस दिन जारी होगी दूसरी सूची। 22 जिलों में 10% से भी कम भरे जा सके शिक्षक के पद। तेजस्वी यादव का निर्देश, एक माह में स्वास्थ्य विभाग में 20,000 की होगी नियुक्ति। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, दियारे में लोगों के घरों में घुसा पानी। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान सीरीज पर बोले कप्तान रोहित शर्मा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड में एडमिशन के लिए इस दिन जारी होगी दूसरी सूची। बिहार में सीईटी बीएड 2022 के नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 11 अगस्त को अभ्यर्थियों की ओर से चयनित महाविद्यालय आवंटित कर दिया गया। अभ्यर्थी 29 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbadlnmu.in पर लॉगिन कर आवंटित महाविद्यालय संस्थान को स्वीकार कर 29 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक ₹3,000 अंश शुल्क के रूप में जमा कर 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आवंटित महाविश्वविद्यालय संस्थान में पेपर सत्यापन के बाद नामांकन ले सकेंगे। घूस का पैसा वसूलने के लिए वेतन पर रखा था प्राइवेट इंजीनियर। बीते दिन निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजय कुमार के ठिकानों पर रेड डाली, जहां भारी संख्या में कैश बरामद हुए। मीडिया में चल रही खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि छापेमारी के दौरान निगरानी विभाग को अहम जानकारी भी मिली, जिसमें पता चला है कि इंजीनियर संजय कुमार खुद घूस का पैसा नहीं वसूला करता था। इसके लिए उसने ₹30,000 के वेतन पर एक प्राइवेट इंजीनियर को रखा हुआ था। निगरानी विभाग का कहना है कि इंजीनियर ने बिछावन, रैक और किताबों तक में पैसे छिपा कर रखे थे। बरामद नोटों का ऐसा पहाड़ बन गया था कि गिनने के लिए 4 मशीनों को मंगवानी पड़ी थी। बिहार में नगर निगम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिहार में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान भी पदाधिकारियों के प्रयास से पटना शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चली। हड़ताल के बावजूद भी पटना नगर निगम द्वारा डोर टू डोर सेवा वाहनों के साथ शहर में सफाई, जलापूर्ति एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाया गया। हालांकि इसके बावजूद भी कई शहरों में कचरों का अंबार देखने को मिल रहा है। इन सभी कर्मचारियों का कहना है कि बिहार के शहरी निकायों में संविदा, दैनिक वेतन, कमीशन एवं स्थायी कर्मियों के साथ बिहार सरकार द्वारा आए दिन कुठाराघात किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का निर्देश, एक माह में स्वास्थ्य विभाग में 20,000 की होगी नियुक्ति। सत्ता संभालते ही तेजस्वी यादव फॉर्म में दिख रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिन पहली बार स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नौकरियों को लेकर विभागीय पदाधिकारियों से समीक्षा की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उन पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। उप मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि एक माह के अंदर 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें सिर्फ राज्य स्वास्थ्य समिति के 13,000 पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा विभाग में रिक्त पदों को चिन्हित करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। दुनिया भर के हजारों डॉक्टरों ने जुड़कर लाइव देखा रोबोटिक सर्जरी। राजधानी पटना के होटल मौर्या में बीते दिन 2 दिवसीय चौथे अनूप मास्टर्स कोर्स का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश और विदेश से हड्डी के डॉक्टर जुड़े और जोड़ प्रत्यारोपण के क्षेत्र में आए नए बदलाव के बारे में जानकारी साझा की। इस मौके पर देश में पहली बार जोड़ प्रत्यारोपण की लाइव रोबोटिक सर्जरी भी देखने को मिली। अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स पटना के डायरेक्टर आशीष सिंह और कोलकाता से आए डॉक्टर संतोष कुमार, हैदराबाद से आए डॉक्टर आदर्श अन्नप रेड्डी ने इस दौरान लाइव सर्जरी किया। राज्यभर में हुई झमाझम बारिश, लोगों ने गर्मी से ली राहत की सांस। आखिरकार एक सप्ताह भारी गर्मी से जूझने के बाद शनिवार की देर रात लोगों ने बारिश होने की वजह से राहत की सांस ली। वहीं मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत आसपास के क्षेत्रों और नेपाल की तराई में रविवार और सोमवार को भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। इस सूचना के बाद शनिवार को डीएम प्रणव कुमार ने अधिकारियों को अलर्ट कर खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सीईओ और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का विशेष चौकसी का निर्देश दिया है। 22 जिलों में 10% से भी कम भरे जा सके हैं शिक्षक के पद। छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों नियोजन पत्र बांटे जा चुके हैं। चुने गए शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। अब तक 22 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें अधिकतम 10% से कम ही शिक्षक चुने गए हैं। अगर हम पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में ही कुल 2056 पदों में से केवल 219 भरे जा सके हैं। कमोबेश सभी जिलों में यही स्थिति है। पटना
जबकि माध्यमिक स्कूलों के लिए कुल 1070 पदों में 137 और उच्च माध्यमिक स्कूलों के आवंटित कुल 986 पदों में 82 पद ही भरे जा सके हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से मांगा जवाब। बिहार में शराबबंदी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का पक्ष जानना चाहा है। इसके लिए हाईकोर्ट से 27 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी से जुड़े केसों की संख्या अधिक हो गई है। इस बीच बिहार सरकार ने शराबबंदी नियमों में बदलाव करते हुए पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले अभियुक्तों को कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर पर ही जुर्माना लेकर छोड़ने जाने का व्यवस्था किया गया है। इसके लिए सरकार ने पटना हाईकोर्ट से न्यायिक शक्तियां दिए जाने का अनुरोध किया गया था, हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं आया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, दियारे में लोगों के घरों में घुसा पानी। पटना सहित गंगा के गंगा घाटों पर जलस्तर में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रमुख घाटों पर यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुबह तक के अपडेट के मुताबिक गंगा का मनेर में खतरे का निशान 52 मीटर है। यहाँ 52.16 मीटर के जलस्तर के साथ बह रही थी। दीघा घाट में खतरे का निशान 50.45 मीटर है। यह वहाँ 50.26 मीटर जलस्तर के साथ बह रही थी। वहीं मुजफ्फरपुर की स्थिति भी वही है और एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। गायघाट रिमांड होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता गिरफ्तार। गायघाट महिला रिमांड होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता को पटना पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ 5 माह पहले महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन्हें बीते दिन पूछताछ के लिए महिला थाना में बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में उपस्थित कराया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वंदना गुप्ता ने अग्रिम जमानत के लिए भी कोर्ट में आवेदन किया था, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें चले कि वंदना गुप्ता पर रिमांड होम में रह रही लड़कियों से गलत काम करवाने का आरोप था। झारखंड में चुनाव लड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गया इकाई के द्वारा बीते दिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन का गर्मजोशी के साथ नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा पूरे जिले से आए कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान संतोष कुमार सुमन ने झारखंड से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम वहां तैयारी कर रहे हैं और हमने झारखंड में प्रभारी भी फैज सिद्दीकी को बना दिए हैं। फैज सिद्दीकी झारखंड का दौरा कर रहे हैं। कुछ सीटों को हमने चिन्हित किया है। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा, नीतीश कुमार को पीएम पद पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, इसको लेकर जोर शोर से आजमाइश की जा रही है। जदयू के नेता पहले से ही तैयारी में जुटे हुए हैं। इसमें अब आरजेडी के नेता भी शामिल हो गए हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं। भतीजा होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाएं, देश की आन बान शान लाल किले पर नीतीश कुमार तिरंगा फहराएं। इसके लिए जो जरूरत होगी वह करेंगे। बिहार के कई जिलों में आज महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, गया, मुंगेर समेत कई शहरों में आज रविवार को तेल कंपनियों ने दर बढ़ा दिया है। इस बीच औरंगाबाद, बेगूसराय, अरवल समेत कई जिलों में तेल के दाम में कमी हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में रविवार को पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पटना में पेट्रोल 108.12 प्रति लीटर तो वहीं डीजल 94.86 प्रति लीटर बिक रहा है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान सीरीज पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इस दौरान रोहित शर्मा से जब भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो रोहित शर्मा ने सीधे सीधे जवाब दिया। इस पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि देखिए यह हमारे हाथ में नहीं है, यह बिल्कुल अलग सवाल है, लेकिन जैसा मैं कह चुका हूं दोनों देशों के बोर्ड्स अगर फैसला लेते हैं कि हमें द्विपक्षीय सीरीज खेलनी है तो हम खेलेंगे। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 9,520 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 145 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 67 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,08,759 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 185 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, कुमुद, अनवर करीम खान, कमल
अनवर करीम खान, कमलेश्वर शर्मा, उमेश ऋषिदेव कुमार, कौशल सिंह, विनय कुमार, रामानुज राय, राजकुमार कुशवाहा और अशोक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग बिहार में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर पाएगी? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।